गंगा किनारे उमड़ा आस्था का सैलाब। कोसों दूर से धार्मिक नगरी में बसने आए श्रद्धालु। रामनगरिया में भक्ति में रमे भक्त। रपटीली रेत पर सजा तंबुओं का शहर। संगम से दूर एक और मिनी कुंभ। कण कण में है मोक्ष का वास। यहां आकर मिलती है जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्ति। गंगा तीरे रामनगरिया। जहां जहां गंगा है वहां वहां शिव का नाम जुड़ता है। हरिद्वार हो या काशी, गंगा के साथ महादेव का जिक्र आता ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी शहर है जहां गंगा के साथ भगवान शिव की जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र होता है। फर्रुखाबाद का रामनगरिया मेला हर साल सजता है माघ महीने में। हर साल हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, रामनगरिया में कल्पवास करते हैं। कोई तप में लीन है, कोई ढोलक मजीरे की धुन पर नाच गा रहा है, कोई पुण्य की डुबकी के लिए माँ गंगा की गोद में है, तो कोई कल्पवासी बन जीवन के बंधन से मुक्त होने की परंपरा निभा रहा है। संगम से मीलों दूर आस्था का एक और समागम सजता है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हवन करते हैं, कल्पवास के कड़े नियम मानते हैं और धार्मिक परंपरा के वो हर काम काज करते हैं जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यहाँ सब सुबह से गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा भागवत सुनते हैं और सब स्वामी जी की सेवा करते रहते हैं बाबा जी के यहाँ पर। श्रद्धा के ये मेले हर साल गंगा किनारे फर्रुखाबाद की रपलिटी रेत पर सजता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, साधु संत भी इस धार्मिक अवसर में शामिल होते हैं। गंगा नहाए भजन को राम राम वैसे और संध्या काम है और कोई काम ही नहीं। धर्म की धरती पर हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु आशा लिए चले आते हैं कि यहां आकर जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा और मोक्ष का द्वार हासिल होगा। पूजा पाठ अपना पाठ कथा पहली बार आए हैं। पुण्य कमाने के इस धार्मिक पर्व में कोई पहली बार आया है तो कोई सालों से यहाँ एक महीने बसने चला आता है। मगर माघ महीने में फर्रुखाबाद की रामनगरिया में आए इन साधु संत और श्रद्धालुओं का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है मोक्ष। वो जो अपने आप बनाते हैं और खाना पीना खाने के बाद तमाम कथाएं लगी हुई हैं उनमें हर जगह सुनते हैं। गंगा के तीर पर सदियों से चले आ रहे आस्था के इस त्योहार में कोई ज्ञान बटोरने आता है तो कोई ज्ञान बांटने। श्रद्धालु यहां आधुनिक रीति रिवाजों से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। इस दौरान करीब एक महीने का सफर तय कर भगवान से जुड़ने का हर नियम अपनाते हैं।
होती पूजा करके होती तो मतलब अपने खाना ना बनोती चाय बनोती भी बाद में शाम फिर पूजा करती कथा दुनिया होती फिर बनो खाना बनोती। क्या महिला क्या बुजुर्ग हर कोई इस उम्मीद में यहाँ कल्पवास के कठोर विधान का पालन करता है ताकि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सके। फरुखाबाद से R9 टीवी के लिए अनिल वर्मा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कल्पवास के नियम बेहद कड़े होते हैं। एक महीने तक आधुनिक दुनिया का त्याग कर आध्यात्मिक दुनिया में खोने का दूसरा नाम है कल्पवास। इस दौरान क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से नियम अपनाने पड़ते हैं, रिपोर्ट में जानिए। फरुखाबाद के गंगा तट पर इन दिनों धार्मिक छटा बिखरी हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां बसी रामनगरिया में कल्पवास करने आए हैं। हमारी आत्मा को शांति के लिए आते हैं हम यहाँ और यहाँ हम आके गंगा स्नान कर मन की शांति तो हम यहाँ आते हैं गंगा स्नान करते हैं उसके बाद अपना भजन पूजन जो भी साधना है हमारी सेवा है आश्रम की और संतों की जो भी है वो सेवा करते हैं। कंधों पर सामान उठाए देश के कोने कोने से हजारों भक्त रामनगरिया आते हैं। इस शुभ समय में वे स्नान ध्यान करते हैं और रंग बिरंगे टेंटों में वास करते हैं। कड़ाके की सर्दी के इम्तिहान में भी एक पल न डिगने वाले कल्पवासियों की गंगा मैया के प्रति आस्था अगाध है। सत्संग होता है, स्नान होती है और धार्मिक विचार के उच्च जो विचार होते हैं उन्हें निर्णय लिए जाते संत महात्मा लेते हैं वही होता है। रामनगरिया में आने का असली मकसद है गंगा मैया उन्हें हर क्षण ताकत दे और उनके बिगड़े सारे काम बनाए। कल्पवासी टेंट में रहकर एक महीने तक तप साधना में लीन रहते हैं। टेंटों में ही उनके लिए किचन और बाथरूम की व्यवस्था की जाती है। पानी बिजली की व्यवस्था मेला समिति की ओर से की जाती है। सनातन संस्कृति में कल्पवास सबसे कठिन उपवास माना जाता है। कल्पवास के समय गंगा की रेती पर अक्सर सुर और ताल का अनोखा समागम दिखाई पड़ता है। कल्पवास के कड़े नियमों के बीच ऐसे भजन अनुयायियों को ऊर्जा पहुंचाते हैं क्योंकि इस अवधि में आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक ही बार भोजन किया जाता है। कल्पवास में और क्या क्या किया जाता है, इससे पहले कल्पवास का धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है और कब से गंगा के तट पर कल्पवास की परंपरा चलती आ रही है। माना जाता है हजारों साल पहले ऋषियों ने गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा था ताकि गृह जीवन वाले लोग थोड़े समय के लिए धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सके। मांग मास में गंगा की धारा में साक्षात अमृत प्रवाहित होता है, इसलिए इस दौरान कल्पवास की परंपरा निभाई जाती है। कल्पवास के नियम बेहद कड़े होते हैं। इस दौरान जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आता है वह कुटिया में रहता है। कल्पवासी रोजाना दिन की शुरुआत गंगा स्नान से करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद दिन में सत्संग किया जाता है और देर रात तक भजन कीर्तन चलता है। कल्पवासी एक वक्त भोजन और एक वक्त फलाहार पर ही रहते हैं। मन की शांति के लिए करीब एक महीने तक कल्पवासी इसी तरह जीवन बिताते हैं। ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए इस विधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति कल्पवास ग्रहण कर सकता है। इसकी अवधि एक रात, तीन महीना, छह साल और 12 साल है। प्राचीन काल में शुरू हुई कल्पवास की परंपरा आज भी जारी है। इस परंपरा पर आधुनिकता का कोई असर नहीं पड़ा। आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास के लिए आते हैं और गंगा के तट पर तप कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। फरुखाबाद से R9 टीवी के लिए अमित वर्मा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फरुखाबाद की रामनगरिया में कल्पवास जारी है। कल्पवास मतलब अपने आवास से निकलकर एक शांत जगह पर पहुंचकर
अपने चित्त अपने ध्यान को लगाना, बिना कुछ खाए हुए, हल्का फुल्का खाए हुए, ताकि हम दुनियादारी की तमाम झंझटों से झंझावातों से दूर हो जाएं, ध्यान लगाएं, भगवान की आराधना करें। चलिए फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।